नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। यहां आज कांग्रेस सदाकत आश्रम में जो युवा मोर्चा के द्वारा एक रथ निकाला जा रहा है, जिसमें है कि 18 साल के जो पहले वोटर हैं उनको रिझाने के लिए जो है कार्यक्रम रखा गया है विधानसभा में। ये बूथ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ जो तमाम लोग हैं, क्या है ये बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप लोग हैं, वोट फॉर इंडिया, ये क्या है, क्या मुहिम? मैं मोहम्मद अरफराज साहिल, पूर्व महासचिव प्रदेश। आज ये IYC इंडियन यूथ कांग्रेस का एक बड़ा मुहिम है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये हमारी IYC का मुहिम है, बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो। ये इस कार्यक्रम का आज शुभारम्भ हमारे कृष्णा सर, अल्लावारू सर राष्ट्रीय प्रभारी हैं, यहाँ पे आए हैं और इसका शुभारम्भ कर रहे हैं। तो मेन थीम जो हम लोगों का है वो हम लोग बूथ पे जाएंगे और युवा का वोटर आईडी कार्ड से हम इसको जोड़ेंगे और जोड़कर हर व्यक्ति को सुनिश्चित करेंगे, जिला अध्यक्ष हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष हो, ये हमारी जिम्मेवारी होगी कि हम हर वोटर को वहाँ पे 5 व्यक्ति को हर बूथ पे जोड़ें और जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संख्या हम बढ़ाएँ विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर। हर एक विधानसभा में जाएंगे? हाँ हाँ, हमारी कमेटी बनी हुई है, ये कमेटी बनी हुई है लोकसभा का और विधानसभा का। तो हमारे जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों को ये सुनिश्चित की गई है, ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप जाएं और जाके ऐप के माध्यम से, हमारा जो IYC का जो ऐप है बूथ जोड़ो यू जोड़ो, उसके ऐप के माध्यम से हम युवाओं को वोटर से जोड़ेंगे, वोटर आईडी कार्ड लेके, और जोड़ने के बाद में सुनिश्चित करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम फोकस करेंगे, महिला हमारे जुड़ेंगे इस कैंपेनिंग से और महिलाओं को मैं मान सम्मान देकर उसे आगे लाऊंगा राजनीति में, ये भागीदारी सुनिश्चित कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वोट फॉर INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एलायंस, जो है एक स्कैन कोड भी है जहां आप स्कैन करके रजिस्टर्ड कर सकते हैं और तमाम जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं 2024 के इलेक्शन में वोटर को रिझाने के लिए। क्या नाम है आपका? विशाल यादव, प्रवक्ता युवा कांग्रेस। विशाल जी, ये क्या मुहिम है और कहाँ कहाँ ये आप लोग जा रहे हैं? देखिए, युवा कांग्रेस आज अपनी कार्यकारिणी की बैठक में वोट फॉर इंडिया नाम का आयोजन शुरू किया है। इस आयोजन हम लोग बिहार के हर एक विधानसभा लोकसभा में जाने का काम करेंगे। जो लोग 18 साल के छात्र छात्रा, नौजवान साथी, हम उम्र दोस्त भाई बहन हैं, उन लोग को हम लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे और उन लोग से अपील करेंगे आप लोग इंडिया, वोट फॉर इंडिया के पक्ष में वोट करने का काम करें। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? देखिए, आज इसका शुभारंभ हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लवड़ू जी ने किया, बिहार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने किया। इसका हम लोग आयोजन कल से, यह गाड़ी पूरे बिहार के विधानसभा दौड़ने का काम करेगी और जिन जिन साथियों विधानसभा जाएंगे उनका हर लोग का वोटर आईडी कार्ड बनाया जाएगा और वोट फॉर इंडिया के पक्ष में अपील किया जाएगा। तो ये तमाम जो बिहार कांग्रेस युवा मोर्चा के जो हैं कार्यकर्ता हैं वो बूथ पर जाएंगे और जो नए वोटर्स हैं जो अभी पहली बार वोट करेंगे उनको समझाएंगे और अब उनका वोटर आईडी कार्ड भी बनाएंगे और इंडिया के पक्ष में वोट करने के लिए अपील भी करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लाइव। नमस्कार।